नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, इस टाइम कोरोना काल अपने पीक पर चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संक्रमित होते जा रहे हैं, सभी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं आपके फेफड़े स्वस्थ रहें, तो इसके लिए आपको प्राणायाम करना होगा। अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो अगर आप प्रतिदिन इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको कोरोना भी हुआ है तो आपको सांस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्राणायाम की मदद से हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। इन दिनों बहुत ज़रूरी है कि हम सभी यदि अपने घर से बाहर आते जाते न हों, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, तो इसलिए घर से बाहर आना जाना भी मना है, तो तब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करना बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। कोरोना से खुद को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयास बहुत आवश्यक है, और यदि कोरोना के बाद भी किसी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब भी इसका अभ्यास आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको बैठकर करने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे भी इसका अभ्यास करें, तो आपकी सांस की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। आइए जानते हैं इसे सही ढंग से करने का तरीका और इसके होने वाले लाभ। अनुलोम विलोम ऐसे करें, आप इसको अपने बाएं हाथ से भी कर सकते हैं या दाएं हाथ से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सबसे पहले तो आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है। अपने बाएं हाथ को, जो आपका बायां हाथ है, उसको बाएं घुटने पर रखें, हथेली को ऊपर की ओर रखें। अब अपनी दोनों भौहों के बीच में तर्जनी और मध्यमा को रखें, साथ ही अनामिका और सबसे छोटी उंगली को अपने बाएं नथुने पर और अंगूठे को दाहिने नासिका पर रखें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको करना है। अब अनामिका और छोटी उंगली का इस्तेमाल करके अपनी बाएं नासिका को खोलने और बंद करने की कोशिश करें। अंगूठे से बाएं नासिका को बंद करके दाई नासिका से सांस छोड़ें। अब यही प्रक्रिया आप दाई नासिका से करें, एक नासिका को खुलो छोड़कर उससे सांस लें और दूसरे से सांस छोड़ें। इस तरह से आपको 8-10 बार करना है। अपनी आंखें पूरी तरह से बंद करें। अब मैं आपको देखो पिक्चर की मदद से आपको समझाता हूँ किस तरह से आपको ये करना है। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो आपका वन है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट इन ए कंफर्टेबल क्रॉस लेग्ड पोजीशन। सबसे पहले आपको क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ जाना है, बिल्कुल कंफर्टेबल। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप होगा आपका क्लोज द राइट नोस्ट्रल, जो आपका राइट नोस्ट्रल है, विद योर राइट थंब, अपने हाथ के राइट थंब से उसको क्लोज करना है। जब आप राइट नोस्ट्रल को क्लोज कर देंगे अपने राइट थंब से, तो उसके बाद इनहेल डीपली थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रल, यानी आपने अपना दायां जो नोस्ट्रल है उसको आपने अंगूठे से बंद कर दिया, तो जो बायां नोस्ट्रल है यानी नाक का छिद्र है, उससे आपको सांस लेनी है अंदर की तरफ। जब आप सांस ले लेंगे अंदर की तरफ, उसके बाद आप जो जिससे नोस्ट्रल से आपने सांस ली, बाएं नोस्ट्रल से, उस पर उसको बंद कर देंगे विद द राइट फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, राइट हैंड की राइट फिंगर से उसको बंद कर देंगे एज यू रिलीज द राइट नोस्ट्रल, क्योंकि अब आपको राइट नोस्ट्रल आपका रिलीज कर देंगे और उससे आप अपनी सांस को छोड़ेंगे।
एक्सेल स्लोली थ्रू योर राइट नोस्टल, यानी एक बार आप अपनी बाएं नासिका से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, इस तरह से आपको करना है। एक बार आप बाएं नोस्टल इस तरह से करेंगे, बाएं नोस्टल पे अंगूठा रखेंगे, इस तरह से सांस लेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे और फिर दूसरी तरफ से इसको सांस छोड़ते रहेंगे, तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके बताऊंगा किस तरह से आपको करना है। तो इस प्रक्रिया को आप बैठकर, और अगर आपसे बैठा नहीं जा रहा है तो आप इस प्रक्रिया को लेटकर भी कर सकते हैं, इससे आपकी सांस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। अब देखते हैं इसके क्या क्या लाभ हैं। सांस लेने में आने वाली कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। यदि एक जगह ध्यान नहीं लग पाता है तो इस प्राणायाम का अभ्यास एकाग्रता लाने में सहायता करता है। दूसरा, तनाव को दूर भगाने में ये मदद करता है। हमारी भावनाओं और विचारों को संतुलित करने में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। रक्त में ऑक्सीजन लेवल को कम नहीं होने देता, नाड़ियों को शुद्ध करता है और उनको स्थिर करता है। जिन लोगों को बहुत अधिक सोचने की आदत है उनके मन को वर्तमान में रखने का प्रयास करता है। तो काफ़ी लाभदायक प्राणायाम है अनुलोम विलोम, इसको आप जरूर करें। अगर आप बैठने की पोजीशन में नहीं है कि आप बैठ सकते हैं, तब आप इसको बिस्तर पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं, तो इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो वो भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था और मैंने इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करा, जिससे कि मुझे इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उंगलियों को नाक पर हल्के से रखनी है, पूरे जोर से नहीं दबाना है, बहुत अधिक दबाव न दें, आराम से सांस लें। सांस लेने में नाक का प्रयोग करें, मुंह से सांस आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ध्यान रखें सांस छोड़ने का समय सांस लेने से अधिक लंबा हो, यानी जितने समय में आपने सांस ली उससे ज़्यादा समय में आपको सांस छोड़नी है, और धीरे से सांस को बाहर छोड़ें, धीरे धीरे आपको सांस को बाहर छोड़ना है। तो आप इसका अभ्यास लगातार 5 से 10 बार प्रतिदिन करें, और दिन में 2-3 बार करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है सांस लेने की वो आपकी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपकी, और बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको राइट पोजीशन में करना है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।